नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। अमजेरा थाना अंतर्गत दसई में अति प्राचीन शिव मंदिर में जैसे ही सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए महिलाएं पहुंची, मंदिर में मूर्तियां खंडित मिली। पंडित व ग्रामीणों को सूचना दी गई। शिव मंदिर में विराजित भगवान शंकर का शिवलिंग व गणेश जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित व जगह से हटाया गया है। इस पर ग्रामीण इकट्ठा हुए। चौकी प्रभारी प्रशांत पाल को सूचना दी गई। प्रशांत पाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जांच में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश भी देखा जा रहा है। वही एसडीओपी मौके पर पहुंचे, कहा कि पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंचेगी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। पहले से था पीछे से ग्राउंड में श्री नरसिंह मंदिर के सामने महादेव जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर रात्रि में शयन आरती के पश्चात पट मंगल के बाद में भगवान को पट मंगल कर दिए गए। उसके बाद में सुबह जब 6:30 बजे के तकरीबन हमारे परिवार से सुबह भगवान के पट खोलने और झाड़ू के लिए जब गए वहाँ पर, तो मूर्तियाँ पूरी बिखरी हुई और टूटी हुई वहाँ पर पाई गई, जिसकी सूचना तत्काल संबंधित चौकी प्रभारी महोदय को एवं तहसीलदार महोदय को दी गई है। सुबह सुबह एक पंडित जी हैं, हेमंत जी, हेमंत पिता राजन जी बैरागी जी, इनका फ़ोन आया कि जो शिव मंदिर है यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ इधर उधर हो गई हैं। तो यहाँ पर आके देखा गया, तो जैसे गेट खोला गया तो वहाँ पर शिव जी की जो शिवलिंग है वो थोड़ा ऐसा मतलब मिसप्लेस थी, वो अपनी जगह से दूर थी। तो इस हिसाब से उसको प्रथम दृष्टया पंचनाम बनाकर उसको जांच में लिया गया है। जो भी है इसके लिए कारण ऐसा ही प्रशांत पाल किसी शराबी के द्वारा ही मूर्ति को तोड़ना ऐसा दिख रहा है। मूर्ति मूर्ति को वहाँ से गणेश मूर्ति को भी हटाई गई उसके दीवार आने से, ऐसा किसी का इंटेंशन टाइप नहीं है। हमने 295 के टाइम आई थी उसको चेक कर लिया और आरोपी का पता लगाएंगे, शीघ्र कार्रवाई करेंगे। आरोपी कोई विशेष कार्रवाई? हाँ, तो जो अपराध जो बना है बनता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली चीज़ आई है। वो आरोपी को पकड़ने से ही पता लगेगा कि इसका क्या उद्देश्य है, लेकिन अभी थोड़ा ऐसा लगता है कि शरारती तत्व या शरारती दीदी की हरकत है। आपका नाम और कौन? राम सिंह मेड़ा, जय जोगी सरकार।